नमस्कार, बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशबू। सपनों को भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत माना जाता है। रामायण और महाभारत में भी सपनों में प्राप्त होने वाले संकेत का जिक्र किया गया है। भगवान राम ने दशरथ जी की मृत्यु के समय एक अशुभ स्वप्न देखकर अनुमान लगा लिया था कि राजभवन में कुछ बुरा हुआ है। रावण को भी स्वप्न में अशुभ का संकेत मिला था। आइए जाने उन सपनों के बारे में जिनका संबंध बुरे भाग्य से होता है। कौआ। सपने में कौआ दिखना अशुभ फलदायी माना जाता है। ये बुरे समय के करीब होने का संकेत माना जाता है। यात्रा। खुद को यात्रा करते हुए देखना अच्छा नहीं माना जाता। जिस रात में सपना आए उसके अगले दिन यात्रा नहीं करनी चाहिए। मुंडन करवाते हुए देखना। अगर मुंडन करवाते हुए भी खुद को देखें तो ये परिवार में किसी की मृत्यु का संकेत माना जाता है। सूखे फलों की माला। सपने में कोई स्त्री आकर सूखे फलों की माला पहनाए तो ये बड़ा ही अशुभ शगुन माना जाता है। गधे की सवारी। सपने में गधे की सवारी करना मृत्यु सूचक माना जाता है। इस सपने का मतलब होता है आपका बुरा समय शुरू हो चुका है, आपको संभल कर चलने की आवश्यकता है। सफेद वस्त्र। अगर कोई स्त्री सपने में खुद को सफेद वस्त्र में और बिखरे बालों में देखती है तो ये वियोग का संकेत माना जाता है। ऐसे सपने के बाद जीवन में सचेत होकर चलना चाहिए। टूटी मूर्ति। सपने में देवी देवता की टूटी मूर्ति का दिखना बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। तो अगर आपको भी आते हैं ऐसे सपने तो हो जाएं सतर्क। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।